अस्सलाम वालेकुम। तो परसों मुझे अपवर्क की तरफ से एक ईमेल आई, वर्क स्मार्टर जिसका टाइटल था, जिसमें उन्होंने अपनी एआई सर्विसेज को लॉन्च करना अनाउंस किया था। एआई की सर्विसेज कैटेगरीज ऑलरेडी थी अवेलेबल अपवर्क पे, बट उसको नई टेक्नोलॉजीज़, नई इवॉल्विंग टेक्नोलॉजीज और ट्रेंड्स के साथ रीऑर्गेनाइज करके अलग से एआई सर्विसेज का सेक्शन डिफाइन अपवर्क ने परसों लॉन्च किया। तो इससे आप क्या क्या बेनिफिट्स ले सकते हैं, हम बाकी बेनिफिट्स की बात तो अगली वीडियो में करेंगे। और ये जो एआई सर्विसेज का पूरा सेक्शन है, स्पेशली जनरेटिव एआई का, उसकी उस पर हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले इसका जो मेन आप लोगों ने फ़ायदा उठाना है, ये जो एक्सटेंडेड फ्री ट्रायल टू जैस्पर है, इसको आप सब्सक्राइब करें। मैं इस वीडियो में ये बताऊंगा कि ये फ्री ट्रायल टू जैस्पर कैसे सब्सक्राइब होगा। बिफोर डूइंग दैट, मैं आपको दिखाता चलूँ कि जैस्पर अदरवाइज हाउ मच इट वुड कॉस्ट यू। आप अगर जैस्पर एआई पे जाएं, ठीक है, मैं आपको उनके पैकेजेस की प्राइस दिखाना चाह रहा हूँ सिर्फ। ओके, सो दिस इज़ देयर प्राइस, $39 पर मंथ, अगर आप पूरे साल का बिल देते हैं तब। अगर आप इसको मंथली भी रखेंगे ना महीने के हिसाब से, तो $49 पर मंथ सिंगल बंदे के लिए, और टीम के लिए $125 पर मंथ। दिस इज़ द कॉस्ट ऑफ जैस्पर, ठीक है। अब हम इसको क्लोज़ कर देते हैं। यहाँ से मैं इस अकाउंट को साइन आउट कर देता हूँ जो मेरा पहले कोई बना हुआ था जैस्पर पे, ठीक है। अब हम जाते हैं कि जो अपवर्क है ये हमें क्या ऑफ़र दे रहा है। अपवर्क की जब आप प्रोफाइल लॉगिन करेंगे, तो वहाँ पे आपको मेन पेज पे ही बड़ा सा ये जैस्पर का लिखा आ जाएगा कि आप जैस्पर का एक्सटेंडेड ट्रायल कैसे ले सकते हैं। तो इस पे आप लर्न मोर पे क्लिक करें, ठीक है, ट्राई जैस्पर फॉर फ्री। और यहाँ पे ना जो आपका प्रोमो कोड है, दैट इज़ अपवर्क, ये आपका प्रोमो कोड है, ठीक है। और आपने यहाँ पे कंटिन्यू विद गूगल, अगर आपने अपनी गूगल आईडी से ही अपवर्क पे अकाउंट बनाया तो कंटिन्यू विद गूगल कर दें। अगर आपने कोई और ईमेल यूज़ की हुई है तो आप इस पर दबा दें। मेरी जो है वो हॉटमेल की आईडी है अपवर्क के साथ एसोसिएटेड, तो मैं कंटिन्यू विद ईमेल करूँगा। ये मैंने अपनी यहाँ पर ईमेल डाल दी, इसको मैं कंटिन्यू करूँगा। छोटा सा एक चेक करेगा ये क्लाउड फेयर के साथ, ये कोई बॉट तो नहीं कर रहा। और उसके बाद आप यहाँ पे अपवर्क का प्रोमो कोड डाल दें, ओके, सॉरी दिस इज़ नॉट द प्रोमो कोड। हम यहाँ पे जो इन्होंने मुझे वेरिफिकेशन ईमेल सेंड की है उसको कंफर्म करना है। ये कोड आया हुआ है मुझे जैस्पर की तरफ से, ये मैं यहाँ पे एंटर करूँगा, ठीक है। फर्स्ट नेम लास्ट नेम मैंने अपना लिख लिया, अकाउंट मेरा क्रिएट हो गया। रोल उधर कह देते हैं, कंपनी साइज 1 to 10 एम्प्लॉयज़ कर देते हैं, इंडस्ट्री कह देते हैं, टेक्नोलॉजी, हाउ डिड यू हेयर अबाउट जैस्पर, रेफरल, अपवर्क ने बताया ना तो रेफरल से सुना, व्हाट इज़ योर वेबसाइट यूआरएल, ये डालना ज़रूरी नहीं है लेकिन मेरी है तो मैं डाल रहा हूँ। व्हाट अदर एआई टूल्स यू हैव यूज्ड, चैट जीपीटी लिख देते हैं, ठीक है। ये सर्वे है, ये मैटर नहीं करता यहाँ पे आपने क्या एंटर किया। अच्छा, मुझे क्यों चाहिए, मैंने पॉसिबली वेबसाइट का कंटेंट बनाना होगा, सोशल मीडिया पोस्ट बनानी होगी, पॉसिबली ब्लॉगिंग करनी होगी, और एड्स अदर ईमेल में भी, बट मैं अपनी प्रेफरेंसेस लिख रहा हूँ, ठीक है। आप भी अपने इसी तरह प्रेफरेंसेस कर दें। अच्छा, यहाँ पे इसने क्या दिया, प्रोमो कोड अपवर्क विल बी अप्लाइड एट योर चेकआउट। वो अपवर्क को भी साथ लेके चल रहा है क्योंकि आप अभी तक अपवर्क के रेफरल लिंक से पहुँचे हैं। यहाँ आप उसका देख लें कि यहाँ पे रेफरल जो अपवर्क अभी तक लिखा आ रहा है। सो यू चूज़, यहाँ पे हम मंथली करके इसको कर लेते हैं, स्टार्ट फ्री ट्रायल, ठीक है। पहले यहाँ पे आपकी स्टार्ट फ्री ट्रायल की ऑप्शन नहीं आ रही थी अगर आपको याद होगा,
सो यहाँ पे जाएं, ठीक है। अब इसने मेरे मोबाइल नंबर पे एक कोड भेज दिया, 16004। ये मैंने अपने मोबाइल का जो वो मैसेजेस है वो लिंक किए मेरे कंप्यूटर के साथ, तो मुझे मोबाइल अलग से नहीं देखना पड़ता। अच्छा जी, मेरी कार्ड की डिटेल्स आ गई, यहाँ से मैंने इसको ओके कर दिया। कार्ड की अगर डिटेल्स नहीं है तो वो आपको डालनी पड़ेंगी अगर आपने फ्री भी करना है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर इस चीज़ को देख लेंगे, 30 डेज़ फ्री, उसके बाद देन $49 पर मंथ है इसका, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप, अच्छा एनुअल बिलिंग में आप 120 सेव कर सकते हैं, ओके। सो यहाँ से आप स्टार्ट कर दें। मेरे ख्याल में इसका जो डिफ़ॉल्ट ट्रायल होता है ना वो 7 डेज़ का होता है, एक्सटेंडेड ट्रायल आपको 30 डेज़ का मिल रहा है वर्क के साथ। तो इसको सब्सक्राइब कर लेते हैं हम। ओके अब मेरे पास जैस्पर फुली फंक्शनल अवेलेबल है। अब जैस्पर पे हो क्या क्या सकता है, लेट्स सी। इसको हम लॉगिन तो करें पहले। आई एम ऑलरेडी साइंड अप, इसको ये क्यों मुझसे बार बार ईमेल वेरीफाई करवा रहा है, चलो दोबारा कर लेता हूँ। ओके मेरा फाइनली जैस्पर जो है वो हो चुके हैं ऑनलाइन। अब इसमें हो क्या क्या सकता है, टूल्स एंड टेम्पलेट्स, चैट, वर्कफ्लोस, डायनामिक टेम्पलेट्स, आर्ट, फ्री फॉर्म, मूड, मीडियम। अच्छा जी, आप यहाँ पे आर्ट जनरेट कर सकते हैं जैस्पर से कोई भी प्रॉम्प्ट देख के। क्रिएट अ थंबनेल, यूट्यूब थंबनेल फॉर प्रोग्रामिंग चैनल एंड लेट्स ट्राई दिस। अच्छा प्रॉम्प्ट को आप इन्हेंस भी कर सकते हैं, ठीक है। वो आपको खुद अच्छी सी प्रॉम्प्ट क्रिएट करके देगा। आप बहुत अच्छे प्रॉम्प्ट इंजीनियर नहीं है ना, तो वो स्टिल आपको एक अच्छी प्रॉम्प्ट लिख के दे सकता है जो कि अच्छा ग्राफिक जनरेट कर सके। आगे ये चीज़ें हैं, इसको आप अब प्लस माइनस करके डिफरेंट किस्म के आर्ट्स क्रिएट करके चेक कर लेना। और लेट्स सी कि ये बनाता है क्या और कितनी देर में बनाता है। सो इट इज़ वर्किंग ऑन दिस प्रॉम्प्ट। अच्छा इसमें सिर्फ आर्ट नहीं होता, इसमें चैट भी होती है। ये देखें जी, इसने डिफरेंट किस्म की आपको यूनिक किस्म की पिक्चर्स बना दी हैं जो कि मतलब इंटरनेट से कॉपीड नहीं है, और आपको इसको एक ओरिजिनल कंटेंट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रांड वॉइस क्या चीज़ है, हेल्प जस्ट लर्न हाउ टू ब्रांड योर कम्युनिकेट्स, एड वॉइस, आप प्रॉम्प्टर्स, राइट कॉपी एंड पेज, यू मस्ट, ओके। ये एक फीचर है ब्रांड वॉइस, टोन के हिसाब से ये आपकी ब्रांडिंग को एक ख़ास टोन देती है। किस तरह काम करती है इसको आप जब खुद करेंगे सब्सक्राइब तो कवर कर लीजिएगा। उसके बाद चैट है, जिस तरह चैट GPT में होती है, स्पीड और क्वालिटी में आप स्विच कर सकते हैं, ठीक है। कॉल स्पीड विल प्रॉबेबली वर्क लाइक GPT 3.5 टर्बो, क्वालिटी विल प्रॉबेबली वर्क लाइक GPT 4, ठीक है। और इस पर आप क्या कर सकते हैं, मोस्ट यूज टेम्पलेट्स, ठीक है, इंस्टॉल जैस्पर एज एक्सटेंशन। अच्छा जैस्पर की एक्सटेंशन भी है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं डिफरेंट वेबसाइट्स पे। अच्छा जी, कंटेंट कैंपेन, डिमांड जनरेशन, प्रोडक्ट लॉन्च टेम्पलेट, प्रोडक्ट लॉन्च टेम्पलेट, देखते हैं कि क्या करता है।
ये देखें जी, उसने ना आपने किसी भी किस्म का आपको टेम्पलेट चाहिए ना, तो उसकी आपको डिफरेंट किस्म के वो बना दिए उसने, फील्ड्स बना दी, ठीक है, कि इसमें प्रोडक्ट का नाम क्या होगा। लेट से मैं कह देता हूँ कोड जनरल्स, लॉन्च डेट इसकी हम कह देते हैं September 30, 2023 कह देते हैं। की फीचर्स AI कोड मेंटोरिंग, कोड इवेलुएशन, ऑनलाइन कोडिंग एक्सरसाइजेस एट्सेट्रा, टारगेट ऑडियंस प्रोग्रामिंग स्टूडेंट्स, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन ऑल टाइप्स प्लेस, कोई एडिशनल इन्फो नहीं डालते हैं, लेट्स ट्राई कि ये करता क्या है। ठीक है, ये मतलब आपका प्रॉम्प्टिंग का काम बहुत ज़्यादा आसान कर देगा, आपने डिफरेंट टेम्पलेट्स में कोई चीज़ बनानी है तो वो हो जाएगी। ओपन इन डॉक्यूमेंट भी आप इसको कर सकते हैं, लेट लेट इट कंप्लीट। बाय द वे, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम यूजिंग जैस्पर, ये अपवर्क पे ऑफर आई थी तो मैंने कहा इसको एक्सप्लोर कर लेते हैं, सोचा आपसे भी शेयर कर दूँ मैं साथ साथ। ओके, लेट्स ओपन इन डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये इसने मार्कडाउन लैंग्वेज में लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट के अंदर, तो आप इसको पूरा मतलब मज़ीद अगर मॉडिफाई करना चाहते हैं तो चेंज कर लें। टोन ऑफ वॉइस ये है आपकी मतलब ब्रांडिंग कंट्रोल करने वाला, जो हमने बात की थी कि टोन ऑफ वॉइस क्या होगी, कन्वर्सेशनल हो, इन्फॉर्मेटिव हो, परसुएसिव हो, ये आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट इट। जैस्पर ट्राई करें, अगर आपके बिजनेस में किसी तरह आपको फ़ायदा देता है तो उसको बेशक यूज़ करें। यही मैंने आपसे छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करना था। बाकी अपवर्क यही सर्विसेज कैसे दे रहा है और उस पर अपवर्क ने किस तरह अपनी सर्विसेज को स्ट्रक्चर किया, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू सो मच।